उज्जैन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। 2 दिवसीय उज्जैन प्रवास पर हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, भाजपा विधायकों के 2 दिवसीय वर्ग शिविर में होंगे शामिल। आप देख रहे हैं वसीम अली की यहाँ विशेष रिपोर्ट। सुख समृद्धि शांति रहे। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बने, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण। जहाँ तक कार्यक्रम की बात है, मनुष्य को जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहिए। संपूर्ण कभी नहीं होता कोई व्यक्ति, जैसे मैं नहीं हूँ। बदले हुए परिवेश में पूरा ज्ञान अर्जित करने के लिए अगर व्यक्ति को लगता है कि कोई कमी रह गई है तो उसके लिए अभ्यास वर्ग जरूरी है। बदले हुई टेक्नोलॉजी में, बदली हुई परिस्थिति में हम नया कुछ कर सकें, सीख सकें, उसके लिए वर्ग है, इसके लिए मैं आया हूँ। सर, आपको लगता है कांग्रेस के एक बड़े नेता को भी प्रशिक्षण की जरूरत है, जो बार बार कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो, कल भी उन्होंने लोकसभा में कहा, उनको भी प्रशिक्षण दिलवा दीजिए। दरअसल है क्या कि अभी दिग्विजय सिंह जी ने भी एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था युवाओं को जनता के बीच जाना चाहिए। उनका भी ट्वीट इसी तरफ था, वो युवाओं में, क्योंकि वो जनता के बीच की जगह इटली चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। और जहाँ तक आप उनकी बात कर रहे हो, तो उनको तो कितना भी सिखा लो आप, वो पूर्ण हो ही नहीं सकते। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है।